Hello friends, my name is Shivam Thakur. I am a director of GFE Group Impact Experts Trade Division. पूरे इंडिया में उसको भिंडी के नाम से जाना जाता है. फॉरेन मार्केट में उसको ओकरा भी बोलते हैं, कोई कोई कंट्रीज में लेडी फिंगर्स भी बोलते हैं. तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि लेडी फिंगर का कौन से स्टेट से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होता है, कौन से स्टेट में ज़्यादा क्रॉप होता है, फिर कौन से कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट्स होते हैं, उसके लिए कौन से कैसे उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसके पैकेजिंग क्या डिटेल्स होती है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये वीडियोज में बताने जा रहा हूँ. सो लेडी फिंगर ऐसी चीज़ है, ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडिया में प्रोड्यूस होता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी इंडिया ही करता है सब अलग अलग कंट्रीज में. जी हाँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से स्टेट से भिंडी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और कौन से स्टेट उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं. सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, फिर आता है वेस्ट बंगाल, बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है. ये सारे स्टेट्स में काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस और कल्टिवेशन होता है भिंडी का. सो ये सारे स्टेट में से भिंडी का कल्टिवेशन होता है. अभी किस टाइप की भिंडी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती है तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. इसमें बेसिकली जितनी भी भिंडी की बड़ी साइज़ होती है है तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है. मैं आपको पर्टिकुलर साइज़ बताऊँ तो 3 to 5 inch की साइज़ जो बड़ी होती है और उसका कलर एकदम डार्क ग्रीन या टेंडर कलर जो होता है वो उस टाइप की भिंडी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती है. तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, जितनी बड़ी भिंडी वो एक्सपोर्ट्स के लिए एलिजिबल होती है और एक्सपोर्ट्स वो बहुत भिंडी अपने कर सकते हैं. सो बेसिकली कौन सी कंट्रीज इम्पोर्ट करती है ये भिंडी, तो उसमें आता है यूके है, यूएई है, सिंगापुर है, यूरोप की कंट्रीज है उसमें लाइक जर्मनी है, डेनमार्क है, वो सारी कंट्रीज काफ़ी अच्छी मात्रा में इंपोर्ट करती है. उसके अलावा अभी हालांकि हमने देखे तो कनाडा और यूएस में भी अपना काफ़ी अच्छा शिपमेंट जा रहा है भिंडी के. सो अब भिंडी को एक्सपोर्ट कैसे करें, लाइक उसका लॉजिस्टिक कैसे सेट करें, तो भिंडी का 5 kg का स्टैंडर्ड बॉक्स होता है. उसमें करीबन 250 ग्राम का बॉक्स, कॉरोगेटेड बॉक्स होता है और उसके अंदर भिंडी को वो पैक करने का होता है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. ज़्यादातर भिंडी के शिपमेंट्स होते हैं बाई एयर, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं 5-5 kg के बॉक्स. और जो मैंने जो बताया वो सारी कंट्रीज़ में बाई एयर ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है. हालांकि कोई नज़दीक की कंट्रीज़ है जैसे अपने यहाँ से यूएई या फिर कतार मान लो, वो कंट्रीज़ में बाई सी भी जाता है, पर 95% केसेस में बाई एयर के शिपमेंट्स भिंडी के ज़्यादा है.